आज मैं आपको सिखाऊंगी इमली की एक ऐसी चटनी जो तकरीबन हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आइए हम इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। अब देखिए पल्प जो निकालते हैं हम, यानी गुदा निकालते हैं इमली का, तो वो किस तरीके से निकालते हैं लोग मुझसे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे। तो बहुत आसान तरीका है, इमली डाल दी मैंने और उसके बाद इस पर मैं डाल दूंगी पानी। अगर से टाइम शॉर्ट होता है तो मैं गर्म पानी डाल देती हूँ, तो गर्म पानी के अंदर मुश्किल से 5 मिनट के अंदर इमली जो है वो फूल जाती है और बहुत अच्छा इसका जो पल्प है या गुदा जो है बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन अगर से आपके पास टाइम है तो सादा पानी में आप डाल सकती हैं, तो 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, जो दानों पे से पल्प था वो फूल गया है, तो इससे आसानी से जो है पल्प निकल आता है। तो अब यहाँ पर हम स्पून से नहीं करेंगे तो इससे पल्प नहीं निकलता है, हाथ ही लाजमी यूज़ करना है आपको, उसी से आप अच्छी तरीके से निकाल सकती हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ फिंगर से, इस तरीके से हम मस लेंगे तो इसमें से जितना भी पल्प होगा वो निकल के आ जाएगा, और जो हम निकालते रहेंगे उसे इस तरीके से हाथ से दबाएंगे सारा पल्प निकल जाएगा और बीच जो है हम इसके फेंक देंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 सब कर लेंगे, और करने के बाद जो है हमें चाहिए इसके बाद एक छन्नी, थोड़े से तुस वगैरह होते हैं तो छन्नी से जो है हम लाजमी से गुजारेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और ये हमारा बिल्कुल प्योर जो है पल्प निकल के आ गया है। ये पल्प मैं यूज़ करती हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, चटनी वगैरह के अंदर और सॉस वगैरह के अंदर, तो इस तरीके से निकालती हूँ, आपको भी इसी तरीके से निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली का पल्प 1/2 कप यानी आधा कप। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया 1/2 बंच यानी आधी कट्टी। इसके बाद डाल देंगे हम पुदीना 1/2 बंच, हरी मिर्चें 4। इस इमली की चटनी के अंदर सब चीज़ें ताज़ी यूज़ कीजिएगा तो इसका ज़ायका बहुत अच्छा बनता है, फ्रीज हुई भी कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करिएगा। और हरी मिर्चें जो हैं वो बीच के साथ ही डालेंगे। इसके बाद डाल दी है मैंने लहसुन के जवे 3, बड़े साइज़ के यूज़ किए थे। नमक 2 टीस्पून, प्लेन नमक टू टेस्ट लीजिएगा। साबुत मिर्चें 15, गोल वाली यूज़ कर रही हूँ, उसकी जगह आप किसी भी किस्म की यूज़ कर सकती हैं जो भी आपके पास घर में हो। ज़ीरा 1 टीस्पून। और अब सब चीज़ों को हम पीस लेते हैं। मैं पीस के लेकर आ गई हूँ, ये हमारी इमली की चटनी अब बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। बहुत ही शानदार चटनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और तकरीबन हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। तो अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।